मुझे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद याद आ रहा है और बड़ा प्यारा इरशाद है। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए तशरीफ ले गए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चटाई पर आराम कर रहे थे वो खुरदरी चटाई थी, तो उस चटाई के निशान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर जाहिर हुए। चटाई के निशान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर जाहिर हुए तो सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रोते हुए उन्होंने कहा, सरकार ने फरमाया कि उमर क्यों रो रहे हो? तब फारूक आजम ने यर्ज किया कि कैसर व कसरा जो दुश्मन खुदा हैं वो तो ऐसे बिस्तरों पर सोए जो बिस्तर नर्म भी और आराम दे भी, और वो जो अल्लाह के हबीब हैं वो ऐसी चटाई पर जिस चटाई पर जो चटाई खुरदरी और उसके निशान हुजूर के जिस्म अकदस पर जाहिर हो रहे हैं। तो सरकार उठ करके बैठ गए और जो फरमाया उसे सुन लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उमर उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है, हमारे लिए आखिरत।